नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आप सबको नवरात्रि और दुर्गा पूजा का शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, सुबह से घर पे ही हूँ, तो घर में लेटे लेटे तबीयत और भी ख़राब होता है। इसलिए मम्मी से मैंने बोला, मम्मी तुम छोड़ दो, मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। मम्मी सुबह दाल और आलू भुजिया बना के रखी थी, तो सिलीगुड़ी से दीदी भी आई थी, तो दीदी ने आते समय मटन और मछलियाँ दो चार किस्म के लाई, तो मैंने सोचा क्यों ना मटन मैं ही बना लेती हूँ, तो मैंने बनाना स्टार्ट किया। अभी मटन जो बहुत अच्छा बनाता है वो है मेरा भाई, मैंने उससे ही सीखा है ये वाला रेसिपी। ये गया है तेल में इलायची और तेजपत्ता। मटन और चिकन को अगर पहले से मैरिनेट करके रखा जाए तो बहुत ही टेस्टी बनता है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था तो मुझे वो जल्दी जल्दी करना पड़ा। तो ये अभी गया प्याज, अभी मटन, मटन का अगर क्वालिटी अच्छी हो ना तो आप जैसे भी बनाओ मटन अच्छा ही लगता है, लेकिन हम लोग टेस्ट चेंज करने के लिए अलग अलग तरीके से बना लेते हैं और ये अच्छा भी लगता है। मैंने अलग अलग जाति के भाषाओं के लोगों की बनाया हुआ मटन खाया, सबका अच्छा लगा। कोई ऐसा नहीं गया कि इसका अच्छा नहीं बना, उसका अच्छा नहीं बना, सबका अच्छा लगा मुझे। मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगती, वो है आखिर में धनिया पत्ता देना, पता नहीं क्यों कैसा एक बू आती है उससे। अभी इसमें गया अदरक लहसुन ज़ीरा पाउडर धनिया पाउडर, अभी ये थोड़ा सा पानी निकला, ये गया हल्दी पाउडर। फ्यूचर के लिए मेरे दिमाग में बहुत सा प्लान है आप सब के लिए। आशा करती हूँ आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरे साथ देंगे। आज ही मैं सोच रही थी कि मैं हमेशा उन लोगों के बारे में सोचती हूँ जो कि डिसेबल है, जो गरीब है उनके लिए, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि ऐसे भी कोई, मतलब कई फैमिली है, ऐसे भी औरतें हैं जिनके फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही अच्छा है लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं करती, तो मैं उनके लिए भी कुछ कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। अभी इसमें गए थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और ये दही, खट्टा दही, ये दही से वो मिर्च थोड़ा सा टेंडर होगा, और काली मिर्च तो बहुत ही अच्छा है ना, ये खाली टेस्टी नहीं बनाता, ये तबीयत के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। मैं काली मिर्च को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करती हूँ लगभग सभी खाने में, ख़ास करके जो बच्चे खाते हैं उसको। अब इसमें गया थोड़ा सा घी, घी डालने से ना मसाला का जो शार्पनेस होता है ना वो थोड़ा सा कम हो जाता है। ये मेरा करीब करीब पक गया है, मतलब फ्राई हो चुका है। अभी इसमें गया आलू, फ्राइड आलू और लहसुन। मीट में लहसुन बहुत ही अच्छा लगता है, अगर वो साबुत हो अच्छी तरह से साफ करके देना है, देने से अच्छा बनता है, अच्छा लगता है। अभी जाएगा, अभी गया ये पानी, अब इसको थोड़ी देर करीब करीब 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट तो पकाना ही पड़ेगा। इस साल पूजा कैसा कटेगा मालूम नहीं है, लेकिन आशा करती हूँ सबका अच्छा कटे और ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहिए, और क्योंकि आप खुश रहेंगे तो आप सबको खुश रख पाएंगे। इस पेंडेमिक की वजह से हम सबको हमेशा एक डर सा लगा रहता है, तो आशा करती हूँ अगले साल ये डर ना रहे। अब ये मैंने ढक दिया है, और ये है गरम मसाला, ये छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जैत्री, लौंग, दालचीनी और जायफल, ये है मेरा गरम मसाला। अब मैं इसको पीस लूँगी। जैत्री का खुशबू मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, अंडा करी, चिकन करी, ये सब में बहुत ही अच्छा लगता है। ये गया गरम मसाला, अब तो हो ही चुका है।
ऐसे मटन अभी लोग बहुत ही कम खाने लगे हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से। सिर्फ हम ही नहीं, बहुत सारे लोग अभी चिकन खाना पसंद करते हैं। ऐसे मेरा फेवरेट तो मटन ही है। ये हो चुका मटन करी कंप्लीट। अभी बनाना पड़ेगा मछली, क्योंकि सुबह का दाल आलू भुजिया और अभी बना मटन करी इससे नहीं चलेगा। अभी मछली भी बनाना पड़ेगा। मम्मी मछली काट के अच्छी तरह से धो के नमक और हल्दी लगा के दिया। मैंने अभी फ्राई कर रही हूँ। फ्राई हो गया। अभी ये थोड़ा सा पहले जैसे ही तेल डाल कर, उसके बाद साबुत जीरा डाला, प्याज आलू ये सब डाला, हरी मिर्च, तेज पत्ता, अभी गया ये जीरा, ये धनिया, कोई कोई लोग ना मछली को फ्राई नहीं करते, डायरेक्ट ग्रेवी में डाल देते हैं, ये गया हल्दी। और लेकिन हम लोग ना फ्राई करते हैं, फ्राई करे बिना अच्छा नहीं लगता। ये मैंने पानी डाल दिया, अभी उबाल आने तक रुकना पड़ेगा। ये जो बना है ना, ये है आर मछली। हिंदी का तो मालूम नहीं है, बंगाली में कहते हैं आर मछली। और ये है, गरम मसाला नहीं डालूंगी इसमें उतना सा, ये है धनिया, फ्राइड जीरा और तेज पत्ता, ये मैंने पीस लिया था। ये गया मछली। और ये गया वो मसाला, फ्राइड धनिया जीरा और तेज पत्ता। वो फ्राइड धनिया का खुशबू इतना अच्छा लगता है मुझे। और इसमें थोड़ा सा बचा हुआ गरम मसाला था जो मीट में दिया था, वो मैं इसमें डाल दिया। ग्रेवी काफी अच्छी बनी थी, सब कह रहे थे। ये बन चुका है मेरा। तो आज के लिए इतना ही, मैंने और कुछ नहीं बनाया, तबीयत खराब है। आशा करती हूँ आप सबको अच्छा लगा।